जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए अपनी 25 नंबर क्लास है। कहने का मतलब 25 क्लास है पूरी हो चुकी है। एक पीछे की जितनी भी क्लासें हैं वो यदि आपने नहीं देखी तो जाइए, हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें हिंदी का ये जो पूरा मैटर है वो देखिए। स्टार्ट करते हैं आज अपन 20 मुहावरे। बहुत ही मस्त है, जो करेंगे बड़ा इंटरेस्ट आएगा आप लोग। आप साथ साथ में जवाब देते जाना और इनको याद भी करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए फिर जवाब दीजिए। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बता दो जल्दी से। दुखी होना, समृद्ध होना, प्रसन्नता व्यक्त करना या भयभीत होना। योर राइट आंसर सी, प्रसन्नता व्यक्त करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। मेंढकी को जुखाम होना, नाम हासिल करना, मरने को होना, मनचाही वस्तु पाना, अनहोनी होना। मेंढकी को बुखार होना यानी अनहोनी होना डी जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, रोटियां तोड़ना। रोटियां तोड़ना बिना मेहनत के लिए, बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना, असंतुष्ट करना, भरपेट खाना, और छोटा करना। तो इसका राइट जवाब ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। चिट्टी पिट्टी गुम होना, चिट्टी पिट्टी गुम होना यानी बटुआ गुम हो जाना, भय से होश हवास उड़ जाना, विपत्ति आना, घिर जाना। तो राइट जवाब बी हो जाएगा, भय से होश और हवास उड़ जाना। अगले पर आ जाओ। चलता पुर्जा होना, चलता पुर्जा होना यानी प्रसिद्ध होना, निश्चित होना, चालाकी, बेवकूफ होना। तो ये इसका राइट जवाब होगा, प्रसिद्ध होना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। काठ की हांडी, काठ की हांडी बहुत सस्ता, अस्थाई चीज, कमजोर आदमी बहुत मजबूत हंडिया। देखे कमेंट बॉक्स में जवाब, अस्थाई। ओके अगले पर आ जाओ। कलेजा ठंडा होने का अर्थ बताओ। कलेजा ठंडा यानी बहुत खुश होना, मर जाना ये तो नहीं होगा, किसी को कष्ट देना ये भी नहीं होगा, और संतोष होना। जवाब दो क्वेश्चन नंबर 7 का, जल्दी जल्दी जवाब दो। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना डी जवाब इसका सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। टक्का सा जवाब देने का अर्थ, टक्का सा जवाब देने का अर्थ है भला बुरा कहना, बेइज्जती करना, ताप इनकार कर देना, निरुत्तर कर देना। बताओ देखो क्या जवाब होगा। टक्का सा जवाब देना, टक्का सा जवाब देने का मतलब है, टक्का सा जवाब देने का मतलब है निरुत्तर कर देना। छोटे बच्चे आजकल बहुत समझदार नहीं होते, वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। जैसे ही आप उनको काम बताते हो कि पानी लाना, महारू तो कोनी लाई जाए, ऐसे बोलते हैं हमारे राजस्थानी में, बाकी गलत बात है। एक अनार, एक अनार, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार के लिए सही अर्थ का चयन करो। किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त होना, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, तो ये सही है। ठीक जवाब। अगले पर आ जाओ। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, तीतर और बटेर का मिश्रण, दो कामों में एक का भी न होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, एक से एक काम से दूसरा काम हो जाना। चलो जवाब दो। आधा तीतर आधा बटेर यानी दो कामों में एक का भी न होना, यहां भी जवाब आपका राइट है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है ठगना, उल्लू पालना, कुसामत करना या अपना काम निकालना, तो इसका डी जवाब हो जाएगा मेरे लाडलो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। गाल बजाना, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना,
गाल से आवाज निकालना, घबरा जाना, धमकाना, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डींग हांकना। जैसे कोई एक पार्टी जीत जाए तो दूसरी पार्टी जो हारी हुई है वो डींगे हांकती है, उसी प्रकार होता है। चले अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। आंखें चार होना, आंखें चार होना यानी प्रेम होना, इशारा करना, आंखों से बातें करना, देखा देखी होना। जल्दी से जवाब दो। देख बिल्कुल राइट जवाब ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाए, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित मुहावरे के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना, छोटी आयु में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छुपाना, भेद न लगने देना, कपटी होना। जवाब दो देंगे, भेद न लगने देना यानी पेट में दाढ़ी होना, बहुत सारे लोग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। बांसों उछलना, बांसों उछलना का अर्थ होता है अति प्रसन्न होना, डींग हांकना, रास्ता देखना, क्रोध करना, यानी अति प्रसन्न होना, ए जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, कपटी मित्र, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? आंख का तारा, आस्तीन का सांप, गुदड़ी का लाल, विचित्र आदमी। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देखिए और जवाब दीजिए, कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, माथा ठनकाना, माथा ठनकाना यानी भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना, या और राइट आंसर डी जवाब। चलो अगले पर आ जाओ, हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिएगा जल्दी से, 18 का जवाब, हथेली पे सरसों नहीं जमती, हर काम में मनमानी नहीं चलती, बी जवाब। चलो 19 पर आ जाओ, एक लाठी से सबको हांकना, सबसे सम्मान व्यवहार करना, एक ही लाठी से सभी को पीटना, लोगों को भयभीत करना या शोषण करना, तो यहां राइट जवाब हो जाएगा सबसे सम्मान व्यवहार करना। एक लाठी से हांकने का मतलब है सबसे सम्मान व्यवहार करना, यहां ए जवाब आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, और ये लो आज का लास्ट क्वेश्चन, ओट चबाना, ओट नहीं है ये, ओट चबाना, ओट, चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे, हो सकता है मिसप्रिंट हो, अगली क्लास में बता देंगे। ऑप्शन ए है क्रोध प्रकट करना, लालच करना, अनावश्यक बोलना, छुपाकर कुछ खाना, तो यहां ए जवाब हो जाएगा। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन हिंदी के, आशा करता हूँ क्लास जरूर आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो एक लाइक बनता है और इस क्लास को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली हिंदी की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।